ऋषि जी जो इस मोटेल के ओनर है, तो मुझे ना बहुत सारे कमेंट आते हैं, मैं इंडिया से अमेरिका से मोटेल काम करने के लिए आ सकता हूँ वीजा पर, तो उसको एक घंटे की कितनी सैलरी मिलती है? ये मोटेल और गैस स्टेशन और ये जो आपको पीछे दिख रहा है ये नीचे की तरफ, यहाँ मेरा ड्रोन गिर चुका है। वेलकम टू आवर चैनल, आपका दोस्त आपका होस्ट। हे लुक एट दैट रेहान। सो थैंक यू ऋषि जी इस वीडियो का इंट्रो करने के लिए। थैंक यू। तो अभी हम लोग एक घंटे की दूरी पर है और थोड़ा सा लेट हो गया है, लेकिन ऋषि जी इतने जबरदस्त इंसान है, बताएंगे कैसे उनसे हमारी बातचीत शुरू हुई, कैसे हमारी दोस्ती हुई, वो अभी आप लोग मिलोगे तो आपको पता चल ही जाएगा। Hi Rishi ji. Good. How are you? Welcome. How are you, ma'am? Thank you. So guys, ये है Rishi ji, ये है Hitesh ji, और ये उनके बच्चे, और ये लोग कौन हैं? ये है Real RKS Fam, मतलब हमारे सब्सक्राइबर और हमारी फैमिली का हिस्सा। बात करते हैं हम लोग RKS Fam आज साथ में देख भी लो। Rishi ji का मैसेज आया था Instagram पर, किरियान भाई मैं हूँ Rishi, मैं रहता हूँ पेंसिल्वेनिया में, मैं आप लोगों को इनवाइट करता हूँ अपने घर पर। थोड़ा सा प्लान आगे पीछे हुआ, लेकिन आज हम लोग फाइनली साथ में हैं। तो चलिए अंदर चलते, इनसे थोड़ी बातचीत करते। और कैसे लगते हैं आपको मेरे ब्लॉग्स? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। रोज अभी तो हाई बोलेंगे ना बेचारे। नहीं नहीं नहीं, दिल से। चलो वीडियो को आगे कंटिन्यू करते हैं। वेलकम गाइस। थैंक यू। बहुत अच्छा लगा। सो मजा अब आने वाला है, हम लोग अंदर जाकर पहले अभी थोड़ा रेस्ट करेंगे, उसके बाद लंच वंच करेंगे। ये वीडियो को लाइक करना Rishi ji के लिए, क्योंकि हमारे लाइक एंड सब्सक्राइब। बिल्कुल, क्योंकि RKS फैमिली दिखती कैसी है आज सामने देख लो, आप लोग भी हो, ये भी है, लेकिन ये लोग कैमरे में आ गए, किसी दिन आप लोग भी आओगे। चलो वीडियो को आगे कंटिन्यू करते हैं। भाई यहीं पे हमारा व्लॉग्स भी चल रहा है, और चलते ये है इनके बच्चे। ओ यू आर मेहिल एंड दैट्स हेमिल। हेमिल, हाय RKS फैम। हाय RKS फैम। देयर यू गो। चलो चलते हैं। और ये लोग क्या कर रहे हैं अंदर, यहाँ क्या चल रहा है? आपके लिए स्पेशल, देखो क्या भाभी ने रखे हैं right here। अरे वाह। और ये है Rishi ji की वाइफ। हाय RKS फैम, हाउ आर यू ऑल। क्या क्या है, ये क्या बनाया? पनीर बटर मसाला। ओके। दाल मखनी। ओके। मेथी मलाई मटर। ओके। राइस पापड़ नान एंड मैंगो रस मलाई। अरे क्या बात है, इसके लिए मैं एक्साइटेड हूँ। चलो 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 बैठते हैं, मैं खाता हूँ लंच, उसके बाद बात करते हैं आगे। अब ये इनका है ना एक मोटेल है, आप लोग होटल वगैरह तो जानते ही हो, अब मैं आप लोगों को दिखा दूँ अमेरिका के मोटेल्स कैसे होते हैं। ये कौन सा रूम है, कौन सा रूम है? हनीमून स्वीट, रेड रूम। अरे वाह, हनीमून स्वीट है, ये मोहतरमा को देखो। चलो भाई चलते देखते हैं मोटेल में हनीमून स्वीट कैसे होते हैं। तो भाई ये है वो हनीमून स्वीट रूम, देखो रेड रूम कहा जाता है इसे। यस। और ये रेड रूम इसीलिए कहा जाता है क्योंकि ये हनीमून के लिए स्पेशल है। और सबसे प्यारी चीज देखो यहाँ पर, हाउ क्यूट, वो भी हार्ट शेप में। और अगर इससे भी जी नहीं भरता है तो फिर यहाँ पे तस्वीर भी अच्छी सी, हार्ट वाली, मतलब हार्ट ही हार्ट। यस, मतलब एक एक रूम है, बेड भी है, सब कुछ है, लेकिन इतना स्पेशियस है कि इट लुक्स गुड, इट फील्स गुड, खुला खुला है। यस या। और यहाँ पर मोस्टली लोग एक नाइट के लिए रुकने के लिए आते हैं, और ये आपको कॉस्ट करती है अप्रोक्सीमेटली $150। $150, यस। चलो चलते हैं आगे। आप लोग कमेंट करके बताना आपको कैसा लगा ये,
ये एरिया कैसा लगा? इस जगह का नाम है अल्टूना, जो पेंसिल्वेनिया स्टेट में आता है। तो भाई सबसे पहला हमारे साथ में है ऋषि जी, जो इस मोटेल के ओनर है और ये अमेरिका में कई साल से रह रहे हैं। हाँ जी। सबसे पहला जानते हैं, अगर यहाँ पर अमेरिका में आप हो और अगर आप मोटेल में काम करते हो तो आप कितना कमा सकते हो? वो हर स्टेट के हिसाब से अलग होती है, मिनिमम स्टेट वेजेस होते हैं। Okay. यहाँ पेंसिल्वेनिया में मेरे स्टेट में $11 मिनिमम है वेज। ओके। Okay. और 40 आवर्स मैक्सिमम वर्क कर सकते हैं एक हफ्ते में, एवरी वीक। ओके। तो $11 मिनिमम आप लोगों को मिलेगा एक घंटे का, और आप एक हफ्ते में 40 घंटे काम कर सकते हो पेंसिल्वेनिया स्टेट। करेक्ट। और अगर ज्यादा एफिशिएंट एम्प्लॉई है, हाँ, तो ओनर की तरफ से या तो कंपनी की तरफ से $2-3 एक्स्ट्रा भी मिलते हैं, तो वो ऑन द टॉप ऑफ $11, सो $14 पर आवर यू कैन मेक। ओके। अगर आप काम सही तरीके से करते हो, मेहनत से करते हो, तो भाई आप लोग $14 तक का भी कमा सकते हो। और यहाँ के ओनर जो है मोटेल्स के, वो मोस्टली अपने इंडियंस है, मोस्टली इंडियंस है ना, तो भाई मोस्टली इंडियन 80%, और वो लोग सैलरी वगैरह भी बराबर, अगर आप अच्छा काम करते हो तो वो लोग देते हैं। आप जानते हैं एक और सवाल इम्पोर्टेंट, मोटेल में क्या आप अमेरिका आ सकते हो इंडिया से काम करने के लिए? चलो सबसे पहला ये जानते हैं, क्या इसके लिए कोई स्पेशल वीजा है? इंडिया से स्पेशल वीजा है नहीं अभी, बहुत हाईली स्किल पे L1 वीजा इश्यू होते हैं। ओके। लेकिन मोटेल के लिए ऐसा स्पेशल कैटेगरी का कोई वीजा है नहीं। ओके। कि मोटेल और गैस स्टेशन और ये ऐसे रेगुलर जॉब के लिए वहाँ पे वीजा इश्यू करे। ओके। ऐसा नहीं है। बात करें मोटेल में, अगर आप सिर्फ काम के लिए अप्लाई कर सकते हो इंडिया में, इंडिया से, तो ऐसा नहीं हो सकता है। L1 वीजा पहले होता था, जो अभी नहीं होता है। राइट, एकदम सही। बहुत हाईली स्किल पे L1 वीजा इश्यू होता है अभी। ओके। तो रेगुलर जॉब में नहीं देते हैं वो लोग। ओके। तो L1 कैटेगरी जो होती है, उसमें अगर सपोज अगर कोई बड़ी होटल में काम करता है, मैरियट जैसा, तो क्या उसमें आ सकते हैं वो लोग? उसमें भी वहाँ के सर्टिफिकेट्स, एक्सपीरियंस, मिनिमम 10 ईयर्स एक्सपीरियंस ऑफ इंटरनेशनल होटल्स, ओके, then only might be they will consider as L1. ठीक है, so that's what he's talking about highly skilled, कि आपके पास अच्छा खासा experience हो, आप अच्छे खासे पढ़े लिखे हो, तब आप उसके लिए apply कर सकते हो। और वो भी multinational जो hotel होती है, वो लोग ही वहाँ से apply करते हैं, instead of employee। अच्छा, हम खुद से नहीं कर सकते वहाँ से। ओके, ओके, तो भाई companies apply करती है आपके लिए, right? अगर आप merit में already इंडिया में काम कर रहे हो, वो आपको पूछेंगे अमेरिका जाकर काम करोगे, सिंगापुर जाकर काम करोगे, आप हाँ करते हो तो फिर वो आपके लिए पिटीशन फाइल करके आपका आगे प्रोसेस करते हैं। राइट। यस। जब मैं इंडिया में था ना ऋषि जी, जब मैं इंडिया में था, तो मेरे को ऐसा महसूस होता था कि अमेरिका के मोटेल्स होते कैसे रहेंगे। मैंने एक मूवी देखा था अनजाना अनजानी। करेक्ट। उसमें वो लोग नहीं, जब वेगस जाते हैं तो वो नेक्स्ट डे रात में वहीं पर रुकते रहता है मोटेल, तो जो रेड रूम मैंने देखा ना, मेरे को वही वाली फीलिंग आ रही थी, टू बी ऑनेस्ट। वही तो रूम नहीं था। मोहतरमा, कुछ पेशकश लगाना चाहोगे आप अपनी तरफ से? You're doing a good job. आप मेरी ट्रेनिंग काम आ रही है। मोहतरमा देखो पीछे से गाली मार रही है। He will become a businessman soon. Yes. No need to worry. He is on the way. थैंक यू सो मच ऋषि जी, मुझे अपना टाइम देने के लिए और इन लोगों को इतनी सारी इन्फॉर्मेशन देने के लिए। No problem. You welcome. तो भाई हम लोग यहाँ पर बैठ के अपना खुद का ही वीडियो देख रहे हैं, मजा आ रहा है अपने सब्सक्राइबर, अपनी फैमिली के साथ अपने खुद के वीडियो देखने का। आप लोग भी नहीं देखते हो ना फैमिली के साथ, ऐसा बैठो और साथ में देखा करो। क्या बोलते हो ऋषि जी? हाँ जी, सही बोल रहे हैं, फैमिली बॉन्डिंग इज मस्ट। सो भाई चलिए अब करते हैं अलविदा, आ जाओ मोहतरमा आप भी। और ये अंकल, इनकी डैडी है, बहुत स्वीट है, बहुत ज्यादा स्वीट। ये चाहते थे कि हम लोग यहाँ 2 दिन रुके, मुझे बता रहे थे कैसी लगी आपको ये प्रॉपर्टी, कैसा लगा मुझे बताओ। बहुत अच्छा लगा इनसे भी मिलकर, थैंक यू। वापस आएंगे और इनसे फिर से मिलेंगे और रहेंगे। नो मेंशन। और मैं कहना चाहूँगा थैंक यू, यू वेलकम, हमारे ऋषि जी को कि हमें उन्होंने बुलाया। थैंक यू भाभी जी, थैंक यू सो मच। तो ये ओवरऑल वीडियो आप लोगों को कैसा लगा, आप लोग कॉमेंट करके ज़रूर बताना। ये फैमिली कैसी लगी, बहुत स्वीट फैमिली, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, क्योंकि एक अपनापन इनके साथ में महसूस हुआ, ऐसा ज़रा भी नहीं लगा कि हम लोग इनसे पहली बार मिले हैं। आपको कैसा लगा ये वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताना, और हाँ लाइक ज़रूर कर देना। कुछ वीडियोस इंस्टाग्राम पे हम लोग डालने वाले, yes, तो आप वहाँ पर जाके हमें फॉलो कर सकते हो। जैसा कि हम हर बार कहते हैं, तब तक के गाइज स्टे सेफ, स्टे पॉजिटिव एंड स्टे हैप्पी गाइज। चलते हैं घर की तरफ।
ये देखो आरकेएस फैम हाईवे पे रुक के आपके रेहान साहिब। ड्रोन शॉट्स ले रहे नए वीडियो के लिए। तो ये जो आपको पीछे दिख रहा है ये नीचे की तरफ, यहाँ मेरा ड्रोन गिर चुका है, यहाँ ऊपर वायर में लगा है, उड़ा रहा था यहाँ से, ड्रोन शॉट ले रहा था और ये नीचे गिर गया है। आप लोगों को ड्रोन दिखाने के चक्कर में ये ड्रोन ना घूम गया है, इतने अच्छे से उड़ा था और इस वायर में अटक के कहीं तो गिर गया है, उसी को ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। पहले ये ऊपर का हिस्सा पूरा देख लो रेहान, या ऊपर के हिस्से में पूरा देख लो। यूज द सेल्फी स्टिक एज अ स्टिक, ओके। या हमने ऋषि भाई को कॉल किया है, वो अभी आने लगे हैं। ओके, मैं थोड़ा सा आगे जाने की कोशिश कर रही हूँ, और कभी कभी ये झाड़ होते हैं ना, इसमें से कोई पॉइजनस भी होता है, हो जाएगा, मिल जाएगा, मैं तो यकीन आ रहा है। यहाँ देखे, अगर मिडिल वाला वायर है तो देन उस तरफ होगा, सो गो लेफ्ट, प्लीज बी केयरफुल। ड्रोन पे पैर नहीं रख दो, ड्रोन ढूंढने के चक्कर में आज सेल्फी स्टिक का तो काम होने वाला है रेहान, लेकिन आप उसको वो क्या, वो पुलिस जो मारती है चोर को, वैसा क्यों मार रहे हो उसको? उसको सिर्फ यूज इट टू हटाओ द ट्रीज। और ये देखो, हम लोग बिल्कुल हाईवे पे हैं, ऋषि जी अभी वहां से आने वाला है। ये देखो पूरी टीम आ चुकी है ड्रोन ढूंढने के लिए, प्लीज बी केयरफुल। इज इट स्टिल बीपिंग? ऋषि जी आप प्लीज संभाले, या जस्ट कम अप हियर, थैंक यू सो मच, प्लीज बी केयरफुल, ओह माय गॉड, प्लीज बी केयरफुल, ओह माय गॉड, थैंक यू ऋषि जी, मिल गया, मिल गया, पहले तो मिल जाएगा, थैंक यू सो मच, आर यू ओके? I think so, all right. This is all. खाली फोल्ड होके नीचे गिर गया। हाँ। नहीं, वो सो व्हाट हैपेंड? नहीं। अभी तक तो कुछ हुआ नहीं है। थैंक यू। नहीं नहीं, जस्ट प्लीज आप ही दे। हमारी तरफ से। अरे नहीं नहीं। थैंक यू सो मच। थैंक यू। I think so. Let's try. Let me try. चले चेक करते हैं। हाँ? Complete. हाँ। हाय, थैंक गॉड, शुक्र अल्लाह का, बस ओए जैसा आप लोगों ने देखे पूरे, इसमें ड्रोन मिल गया। कैसे मिला ड्रोन यार? उसमें एक ऑप्शन होता है फाइंड माय ड्रोन, राइट, जस्ट लाइक फाइंड माय फोन, फाइंड माय जोन, फाइंड मी, राइट। आजकल के इलेक्ट्रॉनिक्स में तो यूजुअली ऐसा रहता ही है। सो एनीवेज, थोड़े टाइम के बाद ध्यान आया कि शायद ऐसा कुछ हो सकता है, वी लुक्ड इट अप और बिल्कुल मैप में, थैंक गॉड कि वो ऑन था, राइट, ड्रोन ऑन था। हाँ, अगर वो ऑफ होता तो देन ज्यादा टाइम लग जाता ढूंढने में, पर आसपास ही था। लेकिन आप देखो, देखिए नीचे इतनी झाड़ी और खाई है, पता ही नहीं लग रहा था किस तरफ जाए, बट अल्लाह का शुक्र है मिल गया। और कितना नीचे की तरफ था, चलो भाई चलते हैं घर की तरफ। और स्पेशल थैंक्स दिल से ऋषि जी को, जो उन्होंने अपने बंदे लोग को लेकर आए, थैंक यू सो मच यार, वंस अगेन, सीरियसली थैंक यू, बहुत जल्दी मुलाकात होगी। यस।